सनातन धर्म में साधु संत का काफी महत्व होता है। साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उनके वेशभूषा और खानपान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संत आमतौर पर पीला, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और अपना समय भगवान के नाम स्मरण करने में लगाता है। साधु संतों में नागा साधुओं को चर्चा जरूरी होता है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वो कड़ाके ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। वो शरीर पर धोनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। नागा सन्यासी बनने का प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन मानी जाती है। अखाड़ा द्वारा नागा सन्यासी बनाया जाता है। हर अखाड़े में अपना मान्यता और परंपरा होता है और उसी के अनुसार उनके दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनका गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर के भीड़ भाड़ के जिंदगी से त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ पर जंगल में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहाँ कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं और जिनके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी पड़ती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञ पवित्र होता है और इस प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अपना परिवार का पिंडदान करते हैं जिसे बीजबान कहा जाता है। वो 17 पिंडदान करते हैं जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं जिसके बाद उनके पूर्वजन समाप्त हो माना जाता है। पिंडदान के बाद जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्वजन की सारी निशानियों को मिटा दी जाती हैं। इसकी वजह से नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय के ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नागा साधुओं का एक दिन में सिर्फ 7 घर से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासियों को दिन में सिर्फ 1 ही बार भोजन करने को मिलता है। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते और युद्ध कोला में पारंगत होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं को रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। वो कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं और ये भी कहा जाता है कि वो कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती है। वो अपने शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों, नागा साधुओं के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।